अच्छा साहब, आपने बजट दिया और ये पहला बजट था आपका, बहुत लोगों को उम्मीदें हैं। मैं चाहूँगा थोड़ा सा मुख्तसर बताइए हमें कि इसमें मेन इस बजट के हद्दोखाल क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि आप भी जानते हैं और सारी पाकिस्तान की आवाम ये चीज़ जानती है, क्योंकि जिन हालात में हमने टेक ओवर किया, जिन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने टेक ओवर किया, ये बजट की सूरत हाल, इकॉनमी की सूरत हाल आपके सामने थी। और मैं समझता हूँ जी कि मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ चीफ़ मिनिस्टर साहब को, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब को, कि इन हालात में जो सबसे बेहतर इकदाम वो कर सकते थे उन्होंने किया। सब सेक्टर्स को वो साथ लेके चले हैं और कोशिश ये की गई है कि गरीब आदमी पर बोझ ना पड़े। अच्छा, एक और शाह बात, जो मेन फैक्टर आपने बात की, तालीम और एजुकेशन, तालीम और हेल्थ का है, इस पर थोड़ी सी आप फोकस करेंगे, इसमें क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, देखें मैंने आपसे जिस तरह पहले अर्ज़ की है कि जो हमें विरसे में जो चीज़ मिली उनके उसकी हालात इतने ख़राब थे कि हमने उसको बड़े टेक्निकल तरीके से और बड़े अच्छे तरीके से, ब्लैक एंड वाइट तरीके से कुछ चीज़ छुपाई नहीं है, कुछ उसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो हमने कुछ बजट छुपा के पेश किया हो। हमने ब्लैक एंड वाइट में वो बजट दिया और हेल्थ में, एजुकेशन में जो हमने फिगर्स दिए इंशाल्लाह ताला, वो फिगर्स बिल्कुल दुरुस्त हैं, बिल्कुल ठीक है। उनमें हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं की कि जनाब कल को पता चले कि जनाब इतने पैसे लिख दिए थे और उस पर इतने हमने दिए थे, जो जो कुछ हमने लिखा है इंशाल्लाह हम वो खर्च करेंगे। जी दवा शाह क्यों कर रहे हैं आप? देखें बात यह है जी कि आवाम ने बजट से बाद एक तब्दीली का नारा लगाया है, बेसिकली ये आवाम का नारा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज अगर इक्तदार में है तो आवाम इक्तदार में है, तो इंशाल्लाह हम दावे से इसलिए कह रहे हैं कि जितने लोग भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंतखब होकर आए हैं, जितने मेंबर पार्लियामेंटेरियंस मुंतखब होकर आए हैं, वो एक अज़म लेके आए हैं कि हमने काम करना है। इसलिए मैं समझता हूँ जी कि हमारे बिल्कुल हमारे जो दावे हैं अल्लाह के फसल करम से बुलंद हैं और अल्लाह पाक इंशाल्लाह हमारी मदद फरमाएंगे, हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला हम पर रहम करें और हम इंशाल्लाह ताला जो हमने काम करने हैं, जो हमारे इरादे हैं, जो आवाम की हमने खिदमत करनी है, वो इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। जी अपोजिशन के बारे में दो अल्फाज कह दीजिए। जी देखें, कोई भी हुकूमत हो वहाँ अपोजिशन भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है और अपोजिशन भी आवाम के वोट लेकर आती है और यहाँ पर असेंबली में हर कोई अपना किरदार अदा करता है। तो मुझे इस बात का अफसोस ज़रूर है कि अपोजिशन ने अपना किरदार अदा नहीं किया। देखें ना, पहले दिन वो तशरीफ़ लाए, उन्होंने वहाँ पर तोड़ फोड़ की और तोड़ फोड़ करके चले गए। तो मैं समझता हूँ तोड़ फोड़ तो कोई किसी किस्म किरदार उनको आज होना चाहिए था, उनको एक हफ़्ता हमारे साथ रहना चाहिए था, उनको कट मोशंस में हिस्सा लेना चाहिए था, उनको बजट में हिस्सा लेना चाहिए था, उनको तकरीर करनी चाहिए थी, अपनी तजावीज़ देनी चाहिए थी। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपना रोल अदा नहीं किया, इस चीज़ का मुझे अफसोस है। इलाके के बेसल जो बेसिक मसाइल हैं वो क्या हैं? देखें जी, पाकिस्तान का जो सबसे बड़े मसाइल हैं जी, आपके हल्के की बात, मेरे पास जी बेरोज़गारी, सेहत और एजुकेशन, ये बहुत बड़ा मसला है। आप समझते हैं कि बजट में वो उसको आप दिखाएंगे आवाम के लिए? जी देखें, ये जो हमें बजट दिया गया है ये चंद महीनों का बजट है, ये पूरा बजट नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह जो आने वाला बजट होगा वो हमारी इंशाल्लाह कारकर्दगी जो है वो मंजर आम पर लाएगा। थैंक यू शाह साहब। यूनस मोबाइल होल सेल डीलर, ऑल मोबाइल ब्रांड्स अवेलेबल, 25 ईयर्स ऑफ ट्रस्ट, एड्रेस 29 मेन हॉल रोड लाहौर, फोन 04237244485।